नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम राजस्थान के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर। जिस तरह से सरकारें बदलने के साथ पाठ्यक्रम में बदलाव होता है, उससे विवाद खड़ा होता है। एक बार फिर राजस्थान में राज्य सरकार की 10वीं की किताब में पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। यहाँ वीर सावरकर और महाराणा प्रताप को लेकर कुछ बिंदु बदले गए हैं और इस बिंदुओं को लेकर दोनों की पूरी जो है सियासत गर्मा गई है। सूबे में इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच वाकबाण शुरू है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर महाराणा प्रताप की वीर शौर्य और गाथा को जो है बदनाम करने का काम किया, पाठ्यक्रम में उनकी छवि धूमिल करने का काम किया। वीर सावरकर क्रांतिकारी थे, उन्होंने जेल में समय व्यतीत किया, कई साल जेल काटी और उनको महान क्रांतिकारी की जगह उनको भी अंग्रेजों की गुलामी पसंद करने वाला बताया है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जितेंद्र श्रीमाली जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपका स्वागत जितेंद्र जी। चौधरी जी हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। चौधरी, जिस तरह से पाठ्यक्रम में एक बार फिर बदलाव किया गया है, उस बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और उनका साफ कहना है कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो उनके लिए जो है अकबर महान हो जाते हैं, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जिनका नाम लेकर शौर्य गाथा और वीरता के प्रतीक है उनकी छवि को धूमिल कर ऐसा क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी की सरकार? देखिए, इन लोगों का तो आरोप लगाने का हमेशा से राजनीति करना किसी मुद्दे के ऊपर, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये शुरुआत जो है, जैसा कि हम में से हर आदमी इतने साल तक शिक्षा जब ली है, हम लोगों ने वही तथ्य पढ़े जो हमेशा से बैलेंस थे। इनकी सरकारें आई, इन लोगों ने अपने आइडियोलॉग RSS आइडियोलॉग के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, पाठ्यक्रमों में बदलाव का सिलसिला इन लोगों ने चालू शुरू किया। कांग्रेस सरकार ने इतने सालों तक हम सब उसी शिक्षा प्रणाली से होके गुजरे हैं और हम सब ने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस अपने पाठ्यक्रम में हमेशा देखा है। कभी हमारे बचपन में हम लोगों को ये नहीं लगा कि हम लोगों को किसी तरह का एक बायस्ड सिचुएशन में हम लोगों को किसी भी हिसाब से हमारी शिक्षा के अंदर रहा हो। इन लोगों ने आके, सबसे पहले इन लोगों ने शुरुआत की है, हम लोग तो आज भी उस चीज़ को वापस से दुरुस्त कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रही बात अब ये लोग वीर सावरकर वाले मुद्दे के ऊपर ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने इस चीज़ को किया। एक बात बताइए, बड़ी साफ साफ गोई से ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि बहुत लोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुर्बान हुए, शहीद थे, उन सबका सम्मान बरकरार है, लेकिन इन लोगों ने बाद में जाकर इस चीज़ को इनके आइडियोलॉग से जो मैचिंग हो रही है उसको ये प्रमोट करना चाहते थे। इनके पाठ्यक्रम में साफ जिस तरह के बदलाव इन लोगों ने किए साफ तौर पर देखा जा सकता था। बात सिर्फ इतनी सी है, जिसका जो योगदान था वो उस हिसाब का सम्मान का पात्र है, ये हमेशा दिया गया है। आप क्यों फिर इस चीज़ को आज इतने वर्षों के बाद राजनीतिक रूप से इसको हमेशा अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे लेके आते हैं? जितेंद्र जी का साफ सा आरोप है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया, जबकि सालों से जो पाठ्यक्रम चल रहा था उसको सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़ते आ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, दुनिया पढ़ते आ रही है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है और पिछली बार जब शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बनते हैं तो उन्होंने पाठ्यक्रम बदलाव किया और इनका साफ साफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी के जो लोग थे, नेता थे, उनको थोपने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी उसे दुरुस्त कर रही है। देखिए नीरज जी, इस देश में 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया और राजस्थान की बात करें तो 55 साल इन्होंने राजस्थान में राज किया, तो इन्होंने शुरू से ही इस देश के अंदर बच्चों के अंदर इस बात को बैठाने की कोशिश की कि अगर ये देश आज़ाद हुआ है तो केवल गांधी नेहरू परिवार के कारण, अगर हम जो कुछ भी विकास आज तक हुआ है सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के कारण से। इससे आगे इनको पता है कि अगर इससे आगे ये बच्चे पढ़ लिए, इस देश के जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को अगर इस बात की सच्चाई का पता चल गया कि जिस 1920 के अंदर कांग्रेस का जन्म हुआ और इस देश के अंदर आजादी का जो लड़ाई चल रही थी वो 1857 से पहले किसे लेकर के और 1947 तक लड़ाई करी और उसमें महात्मा गांधी और नेहरू जी के अलावा भी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हजारों और सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपने जीवन की आहुतियां दी, ये सच्चाई अगर देश के लोगों को पता चल गई तो इनको पता है इस देश से गांधी परिवार और नेहरू परिवार का
समाप्त हो जाएगा। इसको बचाए रखने के लिए नेहरू और गांधी परिवार की अस्मिता को, उसके स्वायत्ता को, उनके एकाधिकार को बचाए रखने के लिए, स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इन्होंने ये झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बना करके और बच्चों को पढ़ने के लिए परोसी है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आज ये मेरे सामने डिबेट करें कि सावरकर कैसे महान नहीं थे, कैसे 1907 से लेकर के जो 1921 तक जो आदमी जेल में रहा वो व्यक्ति महान नहीं है, जो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के कारण से, उनके निवेदन करने के कारण से, और जो कि उन्होंने स्वयं ने भी कहा था कि इस देश के लिए जरूरी है कि एक बार आप बाहर आइए और आपके साथ में जो निर्दोष लोग भी बंद हैं उनके लिए, उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए उनका बाहर आना जरूरी है, तब उन्होंने लिख करके दिया। और मैं कहना चाह रहा हूं, इनको शायद जानकारी नहीं है वीर सावरकर के बारे में, इसी वीर सावरकर के कारण से आज हम जो तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र देखते हैं वो इसी वीर सावरकर की देन थी। इनको मैं कहना चाह रहा हूं, जब जानकारी है जी ने वीर सावरकर जी के निवेदन को माना, ये भूलना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि गांधी नेहरू परिवार से ऊपर इस बात को सोचा जाए, ये सिर्फ ये चाहते हैं इस देश को आजाद कराया गांधी चाह रहे परिवार ने और राहुल गांधी, राजीव गांधी ने इस देश का पेड़ क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल काटी, सबको पता है सेकुलर जेल में वो रहे, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी को एतराज क्या है सुरेंद्र जी? कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध करती सावरकर का आखिरकार क्यों? देखिए आप ये लोग बिल्कुल गलत तरीके से इसको पेश करना चाह रहे हैं, वो किसी तरह का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनका अपमान नहीं किया जा रहा है। जब ये बात कपूर आयोग का गठन हुआ 1965 में, कितनी सारी जो है बातें उस वक्त सामने आई, उसके आधार पर सिर्फ ये है कि आप लोग, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर एक फौजी दुश्मन को मारता है या एक हिंदू मुस्लिम को मारता है? इस बात में आप इसकी गहराई तक अगर आप जाएंगे, अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई लड़ने नहीं जाता है, ऐसे कई आइडियोलॉग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को दूसरी तरीके से लिया और उसको सेलिब्रेट करते रहे, आप हमेशा उसी चीज के ऊपर जाना चाहते हो, ये बात उनके साथ जुड़ी रही है, इसी कारण आप उनको सावरकर जी की हो रही है कि आखिरकार सावरकर जी दूसरे क्रांतिकारियों की तरह जेल में रहे, अन्य जैसे भारत के अन्य जो जिनको अपन क्रांतिकारी बोलते हैं, भारत देश की आज़ादी में जिनका योगदान है, तमाम लोग वो आज़ादी के लिए जेल में थे, सावरकर भी उनमें से एक थे और उन्होंने जेल काटी, तो मानते हो आप लोग? और जेल पाठ्यक्रम की बात करते हैं जी, बिल्कुल ये पाठ्यक्रम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम में क्या हमने भगत सिंह को नहीं पढ़ा अपने बाल्यकाल में? हमारे भगत सिंह में बात कर लेंगे हम, हाँ नहीं, आप तो सावरकर बताइए ना, चंद्रशेखर आजाद को नहीं पढ़ा, रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं पढ़ा हमने, हमने गांधी जी को नहीं पढ़ा, नेहरू जी को नहीं पढ़ा, सीधी सी बात ये है, सबको पढ़ा है सुरेंद्र जी, सीधी सी बात ये है कि सावरकर को आखिरकार क्रांतिकारी क्यों नहीं मानते? क्रांतिकारी ये नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है, और आपने बार बार लिखा उस किताब में, उस किताब में लिखा कि तीन बार माफी मांगी उन्होंने बिल्कुल जेल से रिहा करने के लिए। हाँ जितेंद्र जी, आपको लगता है तीन बार माफी मांगनी पड़ी उन लोगों को? कमेंट का सब पता है, 1911 से 1921 तक उन्होंने काला पानी की सजा हुई है। मेरी बात तो सुनो, मैं आपकी एक बात का और जवाब देना चाहूंगा जितेंद्र जी, एक बार एक बात, आप भी उसी शिक्षण पद्धति से होकर निकले हो जिससे मैं निकले हूं, जिससे आप निकले, हम सब लोग निकले हैं। हमेशा हम लोगों ने, अगर हम पलट कर देखते हैं, आज मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम लोगों को सब धर्म का सम्मान करना सिखाया गया, हमारी शिक्षा से आ गया, बिल्कुल आया है, वहीं से जड़ों के निकलती है, यहीं आके डिफरेंसेस पैदा होते हैं। आप लोग हर चीज को उसी चश्मे से देखना चाहते हो, अपनी आरएसएस आइडियोलॉग के चश्मे से देखना चाहते हो, वहां जाके सारी समस्याओं को आप सिर्फ वीर सावरकर एक सवाल है, लेकिन मैं पहले जाऊंगा जितेंद्र जी से कि क्या हर बात को आरएसएस आइडियोलॉजी, कांग्रेस बीजेपी की आइडियोलॉजी जोड़ा जाएगा? आजादी के पहले आरएसएस की आइडियोलॉजी चल रही होगी, लेकिन क्या उस समय लोग सिर्फ आजादी की बात करते थे, ना कि आइडियोलॉजी की बात करते थे? बिल्कुल। और आज हम, यदि कोई व्यक्ति जेल में रहा है, सरदार भगत सिंह की बात करें और अन्य की बात करें, तो उधम सिंह की बात करें, तो तमाम लोगों ने, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तमाम लोगों ने बलिदान दिया, हम उन लोगों को क्रांतिकारी कहकर की बजाय अगर उनको विद्रोही कहें तो कैसा लगेगा? और यही सावरकर के लिए कहा गया कि वो जेल में थे, काले पानी की सजा उन्होंने भुगती और काले पानी की सजा उन्होंने काटी, और उसके बाद उन्होंने जो लिखित में, जैसा कि बताया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम बदलाव किया गया कि उन्होंने खुद ने लिखित में माफीनामा लिखा, उसके बाद रिहा कर दिया गया, इस बात को ही हाईलाइट इस किताब में किया गया, पाठ्यक्रम में किया गया, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का विरोध है। जितेंद्र जी और कुछ? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने,
ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्चुअल में चौधरी साहब को पूरे इतिहास का पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर आ गई बात, हिंदू मुस्लिम की तो हो ही नहीं रही है बात, ये मैं हो रही अब सुनिए अब आप मेरे सुना ना वो अब मैंने सुना ना आप मेरे बात सुनिए जितेंद्र जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अवसर दिया सुरेंद्र जी आपको अवसर बोल लीजिए आप सुरेंद्र जी एक बार इनको आप इंटरव्यू दे दो सुरेंद्र जी आपको अवसर दिया जाएगा ये मेरे को एड्रेस करते आप मेरे को एड्रेस क्यों कर रहे हैं आपको एड्रेस नहीं कर रही है ये दर्शकों को एड्रेस दे रहे हैं ये दर्शकों को बता रहे हैं मेरे को एड्रेस मत करो ये दर्शकों को बता रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि पढ़ाई किए बिना हम कैमरे के सामने आके बोलते हैं बिना तथ्यों के तो ये दिक्कत होती है। हाँ बताइए, मैं क्लियर बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात जो आपने कही महाराज जी बिल्कुल सही है कि किसी एक व्यक्ति के कारण से या किसी एक नेहरू गांधी परिवार के कारण से ये देश आजाद नहीं हुआ, ये देश आजाद हुआ उन दो महान विचारधारा जो आपने कहा सुने सही नहीं, आपने दो महान विचारधारा है आप ही मुझे जो की एक उग्र दल की थी श्रीमती जी आपने कहा पढ़ा आप उन दो दलों के जो महान क्रांतिकारी लोग थे चाहे कक्षा में पढ़ा उन्होंने किसी प्रकार से क्या हो इस देश को आजाद कराने के लिए कक्षा में आपने ये बकवास करके बकवास करके होने नहीं देना पता है जितेंद्र जी के पोल खुल चुकी है देवेंद्र जी नया भारत का जनता नया भारत का युवा इस बात को बदले आखिरकार सावरकर की जो बदलाव किया गया उनके बारे में एक बार आप बात रखें रिकॉर्डर चल रहा है एक बार बात रखें आप अपनी किस बदलाव से देवेंद्र जी एक बार जितेंद्र सीधी सीधी बात करिए जितेंद्र जी सीधी सीधी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बदलाव किया है उस पर सीधे बात करें आप कि क्या वो बदलाव ठीक है या वो बदलाव गलत है क्या इन्होंने जो लिखवाया है किताब में केवल गांधी नेहरू परिवार की इज्जत को बचाए रखने के लिए उसकी अस्मिता को बचाए रखने के लिए ये झूठा तथ्यों को जोड़ करके और पाठ्यक्रम में बदलाव किया। मैं कहना चाह रहा हूं इनसे पूछना चाहता हूं कि 8th क्लास तक की जो किताबें हैं वहां तक तो महाराणा प्रताप महान है महाराणा प्रताप ने युद्ध जीते और जैसे ही वो 11th 12th में पढ़ने बच्चा जाता बच्चा तो महाराणा प्रताप मुकदमे युद्ध हार गए। अरे भाई एक ही स्टेट में दो तरह के बातें आप कैसे क्या बताना चाह रहे हो आप बताना क्या चाह रहे हो स्टूडेंट को आपने जल्दबाजी के चक्कर में यह भी नहीं देखा कि हमको क्या परिवर्तन करना चाहिए। और मैं कहना चाह रहा हूं एनसीईआरटी की किताबों को दीजिए एनसीईआरटी की किताबों में जो है तथ्य वो अलग बात करते हैं मुद्दा अगर पाठ्यक्रम बदलाव को लेकर जिस तरह से पाठ्यक्रम बदलाव किया गया उसमें सूबे की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह पाठ्यक्रम बदलाव कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से चले आ रहे पाठ्यक्रम में सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी थोपने के लिए बदलाव किया और उसको हमने संशोधित किया है। लेकिन हकीकत में जितेंद्र जी आपको लगता है कि जो संशोधन हुआ है इतिहास में महाराणा प्रताप स्वाभिमान के प्रतीक थे शौर्य के प्रतीक थे हल्दीघाटी युद्ध को लेकर जिस तरह कहा जाता है कि वो जंगल उनको दास्ता उन्होंने अकबर की स्वीकार नहीं की जंगल में रहना उन्होंने पसंद किया और जिस तरह से संघर्ष उन्होंने किया लास्ट अंतिम समय तक वही पढ़ते आते रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि ये इतिहास में फेरबदल हो रहा है और उससे बच्चे आने वाले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आखिरकार अकबर महान या महाराणा प्रताप महान या वीर सावरकर जी क्रांतिकारी नहीं थे समझ नहीं आ रहा जब हमें समझ नहीं आ रहा तो बच्चों को समझ में आएगा। महाराज जी मेरे को आप ही जवाब दे दीजिए कि क्या इस देश में कोई आक्रांता जो विदेशी आक्रांता जो लोग थे वो इस देश पे आकर के हमारे किसी देश के राजा के ऊपर युद्ध करते हैं और वो मातृभूमि के लिए वो शासक जो है वो व्यक्ति जो है महाराणा प्रताप जो व्यक्ति है वो लगातार हार नहीं मानता और लगातार संघर्ष करता है और अंतोदगत्वा उस जगह पर उस राज्य के ऊपर वो विदेशी आक्रांता उस पर कब्जा नहीं कर पाता तो क्या महान कौन हुआ आप मुझे बताइए। यहाँ हार जीत का सवाल नहीं है हम अपने देश के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं क्या हम उसे विदेशी आक्रांता
आप मुझे बताइए कि ये घूम फिर करके वही बात आती है कि इस देश के अंदर आराध्य भगवान राम है या वो विदेशी आकांता भाभर है, ये वही है, ये वही सवाल है जितेंद्र जी। ये बार 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 विदेशी आकांताओं का महिमा मंडन कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को दबा देना पड़ेगा। बताने जा रहे हैं कि विदेशी आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं, विदेशी आक्रांता इस देश के महापुरुष कैसे हो सकते हैं। बात का जवाब देवेंद्र जी दे रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, उनकी सरकार ने बदलाव किया, वो अपना पक्ष रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। सबसे मेरी सहानुभूति है श्रीमाली जी आपके साथ कि आपको ये नहीं पता कि जिस आइडियोलॉजी में आप रह रहे हो वहां पर आपके पीछे भी इतनी राजनीति होती है। मेरे तो भैया अच्छा गलत समझा ले तू तो भाई या मेरे मतलब क्या, सुनो आप, सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। बात महाराणा प्रताप की नहीं है, बात क्या है इनका छिपा हुआ एजेंडा क्या रहता है कि उससे हम लोग ये दिखाना चाहें कि अकबर को साथ में सीन में लेके आया जाए। कैसे कैसे आप तो मेरे को ये बता दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि क्या विदेशी आक्रांता इस देश के महापुरुष हैं क्या? आप मेरी बात, आप तो मेरे को इतने से बता दीजिए, आप सुनिए तो सही, विदेशी आक्रांता चाहे वो बाबर हो चाहे वो अकबर हो। एक बार जितेंद्र जी को बात रखने दीजिए, देवेंद्र जी आपको लगता है, जितेंद्र जी आपको लगता है जो ये रखता है कि देवेंद्र जी संघर्ष सामने आए, देवेंद्र जी कौन ज्यादा महान था, देवेंद्र जी लोग विभाजित हो। देवेंद्र जी बात ये है, आप बार बार अकबर और इसको जोड़ रहे, धर्म से जोड़ रहे बार बार, नहीं ये जोड़ते हैं नहीं, अभी आपने कहा कि धर्म से जोड़ने की कहां आवश्यकता है, देशी आक्रांता थे, देशी आक्रांता थे। अरे आप एक बार बताइए जो यहाँ, मेरी बात सुनिए आप लोग, फिर इसको विदेशी अगर इसकी परिभाषा पे जाओगे तो पता नहीं और आप कितने दूर तक जाएंगे। नहीं थे, आप मना कर दो, आप तो मना कर दो, आप द्रविड़ से जाइए, आप तो मना कर दो, विदेशी आक्रांता नहीं था अकबर, आप बता दो नहीं था, आप बता दीजिए, मना कर दीजिए, बाबर जो है विदेशी आक्रांता नहीं था बता दीजिए, क्या अखंड भारत मौजूद था क्या? अरे ऐसी बात कर रहे हैं, पता है नहीं आप कहां से इनको लिया है, आप इनको कुछ भी नहीं पता तथ्यों का। जयपुर के राजा मान सिंह, आपको जयपुर के राजा मान सिंह और अकबर के साथ कर रहे हो, नहीं अकबर के साथ जयपुर के राजा मान सिंह के और कितने राजाओं के इतने मित्र होते एक दूसरे के साथ युद्ध कर, क्या वो सारे राजद्रोही हो गए? आप बोलिए जिन्होंने दासता स्वीकार नहीं की, मैं जिन्होंने दासता स्वीकार नहीं की, महाराणा प्रताप जैसे अस्त्र का सामना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़े अकबर उनके दायरे में महान थे, महाराणा प्रताप उनके दायरे में महान, कौन सा इतिहास है, बिल्कुल इतिहास है, कैसे दोनों अपनी जगह पे। राजस्थान का इतिहास जब लिखा जाएगा महाराणा प्रताप, मुझे लग रहा है सरकारें बनने के साथ इतिहास लिखे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सरकारें बदलने के साथ इतिहास लिखे जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अकबर महान होंगे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जब महाराणा प्रताप महान होंगे, बच्चों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह कि हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हो? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी अकबर महान हो जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी महाराणा प्रताप महान हो जाएंगे, आखिरकार बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हो, उनको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? देखिए नीरज जी, आपका सवाल बहुत वाजिब जवाब है और बहुत ही सटीक है कि आखिर इस देश के, इस राजस्थान के बच्चों की क्या गलती है। बिल्कुल सही बात है ये, और मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि ये अशोक गहलोत साहब चाहे कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी उसमें झूठ साथ पाठ्यक्रमों में जोड़ दे, पर उन बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर के कॉम्पिटिशन में बैठना पड़ता है, और जब वो बच्चा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर कॉम्पिटिशन में बैठता है तब ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि हमारी मर्जी से तो दोनों है, या मर्जी नहीं सकती है, जोर में क्या बोल रहे हो? अरे मेरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनो आप यार, नहीं सुन लिया आप, या तो सामने आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, ये बताएंगे कि हमारे देश में आज दिन तक हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे क्या? दुनिया कहां पहुंच गई? नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो वही पढ़ाया जाएगा और वही सही होगा, वही सही होगा जो जवाहरलाल नेहरू का सम्मान नहीं करते हैं, जो इतिहास है। और मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से आखिर सरकारें, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, फिर भी बात कह रहा हूँ कि सरकारें बदलने के साथ साथ पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो इतिहास में सत्य है, जो इतिहास में सत्य है, चाहे वो कितना भी गलत लिखा गया हो पहले, चाहे कांग्रेस ने 55 साल राज करके कितना भी गलत किया हो, पर उसमें जो इतिहास में सत्य है उस सत्य को ही लिखा जाना चाहिए। अब राम गोडसे को ले आओगे, अब महिमा मंडन का बनाया है सावरकर जी का, राम गोडसे का महिमा जो गृह मंत्री भारत सरकार का है, कितनी बार है इस नाथुराम गोडसे जितेंद्र जी, क्या सत्य जितेंद्र जी संबंधों को सामने बात आई, किसको माना जाए जो वर्षों से हम पढ़ते आ रहे थे उसको,
या फिर आपने बदलाव किया उसको? देखिए सत्य किसको माना जाए? हमने तो कोई बदलाव इस प्रकार का किया ही नहीं। कैसे नहीं किया? आपने जो इतिहास में जो आज तक जवाहरलाल नेहरू, देखिए अरे इनका, अरे आपने रोड नहीं छोड़ी, अरे भाई रोड बदली बाद में कर लेना, पहले आप हर जगह आपने बदलाव किए, आपने रोड नहीं छोड़े, नाम बदल दिए देवेंद्र जी, देवेंद्र जी इन्होंने नाम बदल दिए। ये तो खाली बोल रहे हैं, मेरे को खाली डिबेट खराब करनी है देवेंद्र जी, खराब करनी है देवेंद्र जी, क्योंकि इनको पता है कुछ ज्ञान है। देवेंद्र जी लगता है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो नाम बदलने का, देवेंद्र जी आपको लगता है इन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया? बिल्कुल आपको लगता है कि वीर सावरकर क्रांतिकारी नहीं थे? वीर सावरकर क्रांतिकारी नहीं थे? आप मानते हो ये कब कहा? आप यही तो बात नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी, आप इन लोगों ने इनके शासन काल में इनके जो आइडियोलॉजी से मिलते हुए स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों को ये दूसरे शहर में ले गए। ये लोग ये दिखाना चाहते थे कि हमारी जो आरएसएस के लोग थे वो लोग हमारी विचारधारा जो मेल खाते थे उनको ये अलग लाइट में दिखाना चाहते थे। आप इसको सामान्य रखिए ना, आप क्यों उन लोगों का अलग से महिमा मंडन करना चाहते हो? तो आपने जो आरएसएस के लोगों उनको छांट छांट कर यथास्थिति नहीं साहब, यथास्थिति यथास्थिति आरएसएस के लोगों का योगदान यथास्थिति आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि विवाद हम लोग आजादी के जिसको जहां रखा गया है कोई योगदान नहीं था, आप ये ढूंढ रहे हो? ये कहां जितेंद्र जी, ये कहीं नहीं कहा गया जितेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि आरएसएस के विचारधारा को थोपने ये लोग डिवाइड करना चाहते हैं। मैं यही इन्होंने लाइन आउट मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग आरएसएस के लोगों को ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के इन्होंने प्रमोट किया, आजादी का हीरो बन रहे हो क्या? ये प्रमोट कर रहे अब ये इनके टेप रिकॉर्डर बंद हो तो मैं बोलूं, मैं इनका टेप रिकॉर्डर बंद हो तो मैं बोलूं। आप बोलिए टेप रिकॉर्डर आप। देखिए अब मैं तो इतना सा कहना चाह रहा हूं देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये बच्चों के भविष्य का डिबेट है ये, और ये आरएसएस की डिबेट नहीं है या कांग्रेस की डिबेट या कम्युनिस्ट डिबेट नहीं है, ये बच्चों के भविष्य को निर्धारण करने की डिबेट है। ये आखिर बच्चों को ये जानने का हक है कि सच्चाई क्या है। तो जो सच्चाई है सावरकर के मामले में, जो देश के अंदर आज तक पढ़ते आए हैं, जो सच्चाई है कि इंदिरा गांधी ने स्वयं ने अपने द्वारा सावरकर जी की तारीफ करी, ये पूरा देश जानता है। जो उस समय का गृह मंत्रालय था देश की आजादी के बाद में, उन्होंने ये तथ्य को बताया कि सावरकर जी जैसा बहुत महान योद्धा इस देश के अंदर नहीं हुआ, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो, ये सारे तथ्य जानते हैं। अब जब इनको लगा है कि अब धीरे धीरे इस देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, तो अपने आप को बचाए रखने के लिए केवल गांधी नेहरू परिवार का महिमा मंडन करके कांग्रेस अपने अंतिम अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है, अंतिम को बचाने में लगी हुई है। इसलिए मेरी बात मैं बिल्कुल सीधा देवेंद्र जी, अब मेरे को मौका मिला, बिल्कुल देवेंद्र जी आपको लगता है इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रही है और इसी के चलते वो इनको निशाना बना रही है। सर मैं सीधी सीधी बात बिल्कुल आप कह रहे हैं सच्चा इनके मुंह से कैसे, मैं देश के भविष्य की अगर आप बात करते हो, बंद कीजिए आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटना, धर्म जाति के नाम पे मुस्लिम कहा गया, आप लोगों के सुनिए आप मेरी बात, आपकी इनको क्योंकि इनको भी बताया गया है, आपकी इनको भी निर्देश दिया गया है कि भाषा की मंशा बताया गया वही बोलेंगे, ये पाठ्यक्रम में के बारे में ये पाठ्यक्रम में और 500 नवाचार जो हो सकते थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर तो ये नहीं आते, ये आज स्टार्टअप फंड्स के उसके ऊपर नहीं आते, ये ले देकर इतिहास को क्यों खोद रहे हैं? जो इतिहास इन्होंने ही पढ़ा है, इनके बच्चों ने ही पढ़ा है, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, उससे इनको क्या दिक्कत हुई? ऐसा कौन सी सरकार है इस देश में जो भविष्य देखने के बजाय हमेशा भूतकाल में देखती रहती है? इनके पीछे की मानसिकता बच्चा बच्चा जानता है, और सिर्फ वो मानसिकता ये है कि कहां से हमें माइलेज मिल सकता है, खोज के निकालो, चाहे से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो, चाहे से महात्मा गांधी के नाम पे हो, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे हो, इनका एजेंडा इतना सा है। देवेंद्र जी मेरा लास्ट सवाल है, क्या आप मानते हैं वीर सावरकर क्रांतिकारी नहीं थे जैसा कि आपने किताब में लिखा? क्या महाराणा प्रताप महान नहीं थे? देखिए अब मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ ये नहीं कहा गया है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कहा ही नहीं, आप बताइए कहां कहा है वीर सावर, हमने सिर्फ ये कहा है कि वीर सावरकर को जो इन्होंने पिछले सरकार में पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और उसको उन्होंने सावरकर जी को इन्होंने हीरो बनाने की कोशिश की है, यूं कह सकते दिखाने की कोशिश की है क्योंकि वो इनके आइडियोलॉग थे। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो इतिहास में जैसा लिखा हुआ है उसको आप वैसा ही लगता है। देवेंद्र जी जितेंद्र जी आने वाला समय ऐसा ही आ रहा है कि जब जब सरकारें आएगी बदलती रहेगी सरकारें, इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश करती रहेगी, और शायद मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह का इतिहास पढ़ते रहेंगे। जितेंद्र जी आपको क्या लगता है कांग्रेस ने सही किया ये कदम? इनका कहना है कि ये सिर्फ आइडियोलॉजी थोपने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने किया जो 60 साल से 65 साल चल रहा था उसको बदलने का काम आप लोगों ने किया, इन्होंने सही करने का काम किया। देखिए हमने तो 60 साल से जो ये गलत बातें हमको पढ़ा रहे थे, हमने तो उनको सही करने की कोशिश की थी। पहली बात,
हमने 2003 के अंदर सबसे पहले इसमें पाठ्यक्रम में बदलाव का दौर चालू हुआ था और उसमें हमने नेहरू जी गांधी जी इनको ही पढ़ाते आ रहे थे आज तक, बाकी सबको तो बहुत कम पढ़ा रहे थे, केवल नेहरू जी गांधी जी ने यह किया, परंतु हमने उसके अंदर जो और भी देश के अंदर जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे और इस देश के जो आगे बढ़ाने में जिन्होंने वो किया, सरदार पटेल का, आज सरदार पटेल का पहले कहीं नाम नहीं लिया है कांग्रेस ने, क्या बात कर रहे हैं आप? पर सरदार पटेल का महिमा मंडन का काम किया। जितेंद्र जी, देवेंद्र जी, दोनों को रोकना चाहूंगा महिमा भाव के चलते। पटेल का हमने महिमा मंडन किया। जितेंद्र जी, देवेंद्र जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों ने मुद्दाक्रम में भाग लिया, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी मुद्दाक्रम में। आप दोनों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे जितेंद्र जी और देवेंद्र जी। जितेंद्र जी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा यानी नेहरू गांधी की के को तोपने का काम कर रही थी। और वहीं देवेंद्र जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्षों से चले आ रहे पाठ्यक्रम में बदलाव इसलिए किया कि कहीं ना कहीं वो अपनी आइडियोलॉजी को थोपने का प्रयास कर रही थी और हमने फिर उस आइडियोलॉजी को बदलने का काम किया है, उसे संशोधन करके जो वास्तविकता उसको धरातल पर रखने का काम किया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह से यदि सरकारें बदलने के साथ पाठ्यक्रम बदले जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या पढ़ेगी, आखिरकार किसको सच मानेगी, ये बड़ा सवाल है। नेताओं को, इतिहासकारों को, सबको इस विषय पर सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और जो चीज, जो बात इतिहासकारों के या विद्वानों के इससे किए उसको राजनीतिक पार्टियां उसी नजरे से देखें तो कहीं ना कहीं जो सही इतिहास है वही आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मुद्दाक्रम में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।